वर्दा हादसे में सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि की दी जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मृतकों के परिजनों को सीएम विष्णुदेव साय से उनसे बात भी कराई। आपको बता दें, तेंदूपत्ता तोड़कर लौट रहे मजदूरों से भरा पिकअप वाहन खाई में गिर गया था, जिसमें अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग घायल भी हुए हैं। पिकअप में 35 से 40 मजदूर सवार थे। हादसा पंडरिया ब्लॉक के बहापाली गाँव में हुआ था। जो ताज़ा आंकड़ा है, 19 लोगों की जान गई है, 3 लोग घायल हैं। तेंदूपत्ता तोड़कर लौट रहे थे ये लोग, जब पिकअप वाहन पलट गया और ये सड़क हादसा हुआ। मृतकों के परिजनों से डिप्टी सीएम ने मुलाकात की, उन्हें संवेदना जताई उनके प्रति, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी बात कराई मृतकों के परिजनों की। और कवर्धा हादसे में जो जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों को 5-5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नीलेश त्रिपाठी इस खबर पर रायपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, सबसे पहले हम आपसे ताजा आंकड़ा जानना चाहेंगे और जो घायल हैं उनकी फिलहाल क्या कंडीशन है। देखिए, जो देर रात तक जो अपडेट है उसका यही है कि अभी 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसका जिक्र आप कर चुके हैं। 3 लोग घायल हैं, 3 लोगों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उनको एकदम ही खतरे से बाहर है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर जिनको लेकर स्थिति चिंताजनक है, लेकिन सुधार काफी तेजी से हुआ है कल घटना की। जी नीलेश, तो आपको बता दें हमारे सहयोगी नीलेश हमें जानकारी दे रहे हैं कि 19 लोगों की जान चली गई है, 3 लोग हैं जो कि घायल हुए हैं। मृतकों के परिजनों से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी बातचीत की थी, उनके परिवारजनों से संवेदना व्यक्त की, साथ ही उनके परिजनों की बातचीत फोन पर कराई थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से। और आपको ये बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। आपको बता दें, तेंदूपत्ता तोड़कर लौट रहे थे ये सभी मजदूर, जिनका जो पिकअप वाहन में सवार थे, इनका पिकअप वाहन पलटा और काफ़ी भीषण सड़क हादसा ये था, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई। 3 लोग अभी भी घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी और जो घायल हैं उनके परिजनों को 50,000 की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। नीलेश हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी, देखिए, ये जो घटना है कल शाम की, उसके बाद से अभी तक 19 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, मौत हो चुकी है, और जिनको मुआवजा के तौर पर 50,000 रुपए जो घायल हैं उनको और जो मृतक है उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान किया गया है। और साथ ही जो सबसे अहम बात इस पूरे मामले में है उसमें यह है कि एक जो घटना हुई क्यों, और जो लगातार पिकअप वाहन जो कि मालवाहक वाहन होता है उसमें इतनी बड़ी संख्या में 35-40 लोग भरकर जा रहे थे और उसको रोकने का प्रयास किसी भी जो जिम्मेदार लोग हैं वहां पर, जो पुलिस व्यवस्था है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, या जो अन्य लोग हैं जिसको इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि ये आज घटना हो गई, एक दिन पहले जो कल घटना हो गई, लेकिन ये रोज की उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। रोज ही वो इस तरह गाड़ी में भरकर जाया करते थे और फिर जब तेंदूपत्ता तोड़ने के बाद वापस, यानी कि अपनी मजदूरी पूरा करने के बाद वापस भी उसी गाड़ी में उसी तरह से आया करते थे और ये रोज की दिनचर्या थी। ऐसे में जब रोज इस तरह से जाना आना हो रहा था तो कोई जिम्मेदार क्यों नहीं इस पर नजर रखा, सबसे बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है। हालांकि कल देर रात जब डिप्टी सीएम से बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि इस पर भी हम एक बार इस पर भी जांच करेंगे और उचित कार्रवाई इस ओर भी की जाएगी कि मालवाहकों में एक घटना 19 लोगों के मौत की ये कल हुई है, लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ में आमतौर पर शादी के सीजन में लोग जो बारात पर आ जाते हैं वो भी इसी तरह के वाहनों में चले जाते हैं, मजदूर वर्ग या कई कहीं पर और भी जो शादी ब्याह में काम करने वाले लोग होते हैं, जो कैटरिंग का काम करते हैं या फिर मजदूरी वर्ग के अन्य काम करते हैं, वो इसी तरह से वाहनों में भरकर जाया करते हैं और कई बार ऐसी घटना हुई जिसमें 2 लोगों, 3 लोगों की मौत, 4 लोगों की मौत होती रहती है। तो इसको रोकने के लिए प्रशासन जो है वो क्यों नहीं कोई कदम उठाता कि मालवाहक वाहन में कोई भी
ना जाए, जो मालवाहक वाहन में सिर्फ माल को ढोया जाए, यात्रियों को ना ले जाया जाए, इसका क्यों नहीं प्रबंध किया गया? ये भी एक बड़ी बड़ा वजह है। और खासकर जो कल की घटना हुई उसमें बड़ी संख्या में बैगा आदिवासी से जुड़ी महिलाएं थी, जो मौत हुई उनमें 18 महिलाएं और एक पुरुष है, और ज्यादातर लोग एक ही गाँव के हैं और वो भी बैगा आदिवासी समुदाय के हैं। बैगा आदिवासी समुदाय वो समुदाय है जिसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, यानी कि दत्तक पुत्र को लेकर भी इस तरह की लापरवाही, उनको उनके संरक्षण को लेकर भी इस तरह के जिम्मेदारी न उठाना, ये बड़ा सवाल शासन प्रशासन और सरकार की व्यवस्थाओं पर भी उठता है। जो जी नीलेश, जो घायल हैं जो अस्पताल में भी भर्ती हैं, क्योंकि बताया ये भी जा रहा था कि कुछ बच्चे भी उसमें शामिल हैं, फिलहाल क्या उनकी कंडीशन में कुछ सुधार आया है? देखिए, जो डॉक्टर्स का दावा है वो ये है कि चोट जरूर उन्हें लगी है लेकिन स्थिति खतरे से बाहर है, चिंताजनक तो एकदम ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी उनको ऑब्जर्वेशन में अस्पताल में ही रखा गया है और हो सकता है 1-2 दिन और रखा जाए और उसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। जो ज्यादा जिनको लेकर चिंता थी उन लोग सबकी मौत हो चुकी है, क्योंकि घटना स्थल पे ऑन द स्पॉट जो 13 लोगों की मौत हुई थी, बाकी सबको अस्पताल से, जो 22 लोग घायल हुए थे, बाकी अन्य लोगों को अस्पताल लेकर आया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान बाकी 6 लोगों की मौत हुई। अभी जो 3 लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो उनको चोटें लगी थी, वो फिलहाल खतरे से बाहर, उनकी स्थिति बताई जा रही है। शुक्रिया नीलेश, तमाम जानकारी के लिए आपका।